वेलकम टू कम ड्रीम। सो गाइज, टुडेज वीडियो अबाउट अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप बहुत 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 ही ज़्यादा रीजनेबल हैं और बहुत ईजी से अपने मेकअप किट में ऐड कर सकते हैं। और अगर आप एक बिगनर हैं तो बहुत ईजिली स्टार्टिंग एक किट बना के आप मेकअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और यस, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है फेस मेकअप के लिए, टोनर में आप यूज़ कर सकते हैं रोज़ वाटर का। तो रोज़ वाटर आपकी स्किन को सिर्फ हाइड्रेट ही नहीं करता, साथ में आपकी स्किन पे एक पिंकनेस भी ऐड करता है। तो दिस इज़ द बेस्ट टोनर इफ़ यू आर अ बिगनर। सेकेंड चीज़ हमें अपनी स्किन पे क्या चाहिए होती है, हमें चाहिए होता है मेकअप से पहले मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास है, अगर आपके बस उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मॉइस्चराइज़र आपको ऐसा चाहिए जो बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करे आपकी स्किन को, आपके फेस को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करे, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग जो हमें चाहिए होती है, वो चाहिए होता है हमें लिप मॉइस्चराइज़र। तो लिप मॉइस्चराइज़र के लिए आप वैसलीन यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी लिप बम्स यूज़ कर सकते हैं जो भी आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। वैसे हमें थर्ड थिंग जो मेकअप के लिए चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है आप बताइए। यस हमें चाहिए होता है, हमने यूज़ कर लिया टोनर, टोनर के बाद मॉइस्चराइज़र, मॉइस्चराइज़र के बाद हमें चाहिए कंसीलर। डू नो नॉट अ फाउंडेशन, फाउंडेशन अभी नहीं चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले कंसीलर। कंसीलर के लिए मैं सजेस्ट करूँगी आपको NYB का कंसीलर, ये बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है। इसका प्राइस ये 115 रुपीज़ का कंसीलर है जो बहुत ही रीजनेबल है, इससे सस्ता कंसीलर आपको नहीं मिलेगा। और एक ब्रांडेड है, एक ब्रांड का है, तो आपकी स्किन को भी डैमेज नहीं करेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट कंसीलर फॉर बिगनर्स। तो ये NYB का कंसीलर है, ये आपको पता है कंसील कहाँ कहाँ करते हैं, लाइक अंडर द आइज़, और जहाँ पे आपके थोड़ा बहुत भी डार्क स्पॉट है, लाइक किसी का फॉरहेड डार्क होता है तो वहाँ पे हम कंसील करते हैं, किसी के यहाँ लिप्स एरिया के साइड में डार्कनेस होती है वहाँ करते हैं। तो जहाँ भी आपके स्किन पे डार्कनेस है, डार्क स्पॉट्स हैं, वहाँ पर आप कंसीलर का यूज़ करते हैं। और थोड़ा सा आइज़ को ब्राइट करने के लिए हम कंसीलर का यूज़ करते हैं। सो दो तरह के कंसीलर यूज़ होते हैं, एक होता है डार्क कंसीलर फॉर हाइड, एक होता है डार्क कंसीलर फॉर हाइड अवर डार्क सर्कल्स एंड डार्क स्पॉट्स, एक होता है लाइट कंसीलर टू हाईलाइट अवर आइज़। सो दिस इज़ NYB का कंसीलर, इसमें आप डार्क एंड हाई, डार्क एंड लाइट दोनों को परचेज कर सकते हैं। एक स्टिक में आपकी दिखा देती हूँ, दिस विल कम इन लाइक दिस स्टिक, ये स्टिक के अंदर आता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, सीधा आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको किसी ब्रश की ज़रूरत नहीं है। तो ये है NYB का कंसीलर। अब हम बात करते हैं फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन के लिए भी हम यूज़ करेंगे NYB के प्रोडक्ट का, बिकॉज NYB के प्रोडक्ट्स काफ़ी रीजनेबल हैं और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो हर किसी की स्किन को सूट कर जाते हैं। तो ये है NYB का फाउंडेशन, आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन चूज़ कर सकते हैं। आपको चेक करना है यहाँ पर अपना स्किन टोन, सॉरी आपको यहाँ पर अपना शेड चेक करना है कि कौन सा शेड आपकी स्किन पर जाता है। आप यहाँ पर या फिर हैंड पे चेक मत करिएगा, आपको सीधे अपने स्किन पे ही चेक करना है, फेस पे ही चेक करना है कि कौन सा शेड आपकी स्किन पे जाता है। 149 यानी कि 149 में आपको एक फाउंडेशन मिल जाता है, और ये आता है एक बॉटल में, इसको आपको जस्ट ओपन करके अपने हैंड पे थोड़ा सा निकालना है, और आपको किसी भी ब्रश की हेल्प से या फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पूरे फेस पे लगा लेना है, ठीक है। तो ये है आपका NYB का फाउंडेशन, बहुत ही ज़्यादा चीप है गाइस। मैं आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा चीप एंड रीजनेबल हैं, जो आप बहुत ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। तो गाइस, बात हो गई हमारे फाउंडेशन की, अब बात करते हैं फाउंडेशन के बाद हमारे फेस पे जो चीज़ रह जाती है वो रह जाती है कॉन्टूर के लिए चाहिए एक आई शेडो पैलेट। आप आई शेडो पैलेट में से ब्राउन कलर के आई शेडो को एज अ कॉन्टूर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको ब्लशर के लिए चाहिए तो ब्लशर के लिए भी आप कोई भी पिंक शेड यूज़ कर सकते हैं, जो भी आई शेडो का पिंक शेड है उसको आप एज अ ब्लशर यूज़ कर सकते हैं। मैं तो काफ़ी बार अप्लाई करती हूँ, ये ट्रिक मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ।
आपके पास कोई आई शेडो पैलेट है तो ठीक है, अगर आपके पास कोई आई शेडो पैलेट नहीं है तो आप एक स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट बाय कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत रीजनेबल प्राइस है पे है और आपके सारे ही कामों को करेगी ये। इसमें सारे शेड्स आते हैं। अब जैसे कि ये वाला शेड है, आप इसको कॉन्ट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कॉन्ट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन। और आपको आई शेडो चाहिए विद ग्लिटर तो आप इन सारे ग्लिटर्स को यूज़ कर सकते हैं। आपको पिंक शेड चाहिए, आपको चाहिए अपने चिक बोन्स के लिए तो आप इसको एज अ ब्लशर भी यूज़ कर सकते हैं। आपको हाइलाइटर के लिए चाहिए फेस को हाईलाइट करने के लिए तो आप हाईलाइटर के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, इवन इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में आप इस शेड को, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए, तो बहुत अच्छे से आपके फेस को हाईलाइट करेगा। तो ये एक ऐसा पैलेट है जिसमें आपको आई शेडो और आपको ब्लशर, और वैसे काफ़ी सारे आई शेडो पैलेट्स ऐसी आती भी हैं जिसके अंदर आपको ब्लशर, आई शेडो और आपको हाईलाइटर सब कुछ एक साथ मिल जाता है, तो आप वैसे भी आई शेडो पैलेट को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे भी बाय कर सकते हैं। तो गाइज आई शेडो के बाद हम बात करते हैं कि सॉरी ब्लशर के बाद हम बात करते हैं आईज़ की, कि आई मेकअप के लिए आपको क्या चाहिए। आई मेकअप के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है, आप सबसे पहले तो अपनी आईज़ को कंसील करते हैं, तो कंसील आप उसी कंसीलर से कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए कोई भी आई शेडो। आईज़ के लिए आई शेडो पैलेट मैं आपको दिखा चुकी हूँ, आप स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास जो भी आई शेडो पैलेट है आप उसी का यूज़ कर सकते हैं, बस आपके पास अच्छे आई मेकअप ब्रशेज होने चाहिए। अगर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कफ एंड लैशेज हॉल वीडियो, उसमें मैंने आई मेकअप ब्रशेज के बारे में बताया था। आई शेडो के बाद हमें चाहिए होता है लाइनर के लिए, तो लाइनर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं लैक्मे के लाइनर। लैक्मे के आप ये वाले लाइनर यूज़ कर सकते हैं, ये मेरे पास 3 शेड्स में है और इनका प्राइस है 120 रुपीज़। यस 120 रुपीज़। और इसमें ब्लैक कलर भी आता है, तो आप चाहें तो ब्लैक कलर का भी लाइनर यूज़ कर सकते हैं, और ये कलर्स भी आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको लाइनर यूज़ करना है, लाइनर चाहिए, तो आप लैक्मे का लाइनर बाय कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है और ब्रांड में है, तो आपकी आईज़ के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप बात करते हैं हमें चाहिए मस्कारा आईज़ को पॉपअप करने के लिए, आप मस्कारा यूज़ कर सकते हैं स्विस ब्यूटी का। ये स्विस ब्यूटी का मस्कारा है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है इसका, मुझे अभी इसका प्राइस याद नहीं है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, बट बहुत ही अच्छा मस्कारा है, डरने वाली कोई बात नहीं है कि इफेक्ट कर जाएंगे हमारे स्किन को, नो, तो दे आर वेरी गुड। सो गाइज ये है मस्कारा। अब एक चीज़ और मैं स्विस ब्यूटी के आपके साथ शेयर करती हूँ कि लाइनर, अगर आपको ब्रश से लिपस्टिक से लाइन करना नहीं आता अपने लिप्स को, तो आप सीधे डायरेक्ट आप स्विस ब्यूटी के ये लाइनर भी बाय कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे तो कोई नीड नहीं है, पर अगर आप चाहते हैं एक साथ सारे लाइनर्स, तो यहाँ पे 12 लाइनर्स आपको मिलते हैं जिनका आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं एज अ लिपस्टिक। अगर आपके पास लिपस्टिक नहीं है तो इसमें 12 शेड मिल रहे हैं, आप 12 शेडों को यूज़ कर सकते हैं एज अ लिपस्टिक। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये लाइनर्स हैं, तो आप इनको भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ लाइनर की इतनी कोई नीड नहीं है। तो ये है पूरे फेस मेकअप के लिए प्रोडक्ट्स जो आप ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, ईज़िली बाय कर सकते हैं, मतलब डरने वाली भी कोई बात नहीं है और पैसे खर्च करने वाली भी कोई बात नहीं है, बहुत ईज़िली आप इन्हें बाय कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा वीडियो अबाउट रीज़नेबल प्रोडक्ट्स फॉर मेकअप। तो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, एंजॉय डे, हैव नाइस डे। एंड यस, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो भी कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ पसंद नहीं आई, ताकि मैं इस चीज़ को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, एंजॉय डे, हैव नाइस डे।